हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसा सी प्रोग्राम बनाते हैं जो रीड करेगा सेवरल लाइंस ऑफ टेक्स्ट को, डिफरेंट लाइंस को रीड करेगा और उसमें बताएगा कि एवरेज नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने हैं, इंक्लूडिंग पंक्चुएशन एंड ब्लैंक स्पेसेस। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है उसमें हमें एक सी प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, इसमें सिंपली हम लिखते हैं यहाँ पे कि सीधा हम क्वेश्चन ही लिख दे रहे हैं आपको, तो ज़्यादा ईजी रहेगा। से क्वेश्चन ये है कि राइट ए सी प्रोग्राम, राइट ए सी प्रोग्राम दैट विल रीड सेवरल लाइंस ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, एंड डिटरमाइन, सेवरल लाइंस ऑफ टेक्स्ट को रीड करेगा और डिटरमाइन करेगा, एंड डिटरमाइन द एवरेज नंबर ऑफ करेक्टर्स। अब करेक्टर्स में जब हम बात करेंगे तो उसमें हम इंक्लूडिंग पंक्चुएशन एंड ब्लैंक स्पेसेस, उनको भी हम काउंट करेंगे एक करेक्टर की तरह से, ब्लैंक स्पेसेस इन ईच लाइन। ठीक है, ये है आज का हमारा क्वेश्चन कि हमें एक सी प्रोग्राम बनाना है दैट विल रीड सेवरल लाइंस ऑफ टेक्स्ट। तो वो सेवरल लाइन ऑफ टेक्स्ट मतलब कोई डिसाइड नहीं है, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, कितनी लाइन, जब तक कि उसको एम्प्टी लाइन नहीं मिल जाती है उसको रीड करेगा और उसमें एवरेज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमको बताएगा। और जब वो रीड करेगा तो उसमें अगर कोई पंक्चुएशन करेक्टर आते हैं या ब्लैंक स्पेसेस आते हैं उनको भी वो एज ए करेक्टर ही डील करेगा। ठीक है, तो अब इसको मान लीजिए हम प्रोग्राम बनाते हैं, तो सिंपली देखिए इसको कैसे हम प्रोग्राम बनाना शुरू करेंगे। से हमने मान लीजिए बनाना शुरू किया, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमने कमेंट लाइन लिख दिया कि रीड। कमेंट लाइन से फायदा ये हो जाता है कि कोई भी यूजर है तो वो प्रोग्राम भी खोलेगा तो उसको पता चल जाएगा ये प्रोग्राम किस चीज का है। रीड सेवरल लाइंस ऑफ टेक्स्ट एंड डिटरमाइन द एवरेज नंबर ऑफ करेक्टर, डिटरमाइन द एवरेज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स करेक्टर्स पर लाइन, ये हमें डिटरमाइन करना है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिखा इंक्लूड और हेडर फाइल इंक्लूड कर ली हमने stdio.h, तो भी सारे इनपुट आउटपुट फंक्शन यहीं डिफाइंड होते हैं, तो ये फाइल आपको जरूरी हर प्रोग्राम में मिलेगी। अब उसके बाद हमने फंक्शन पर एक फंक्शन डिक्लेयर किया, फंक्शन प्रोटोटाइप जैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं इंटीजर। फंक्शन का नाम रखा हमने लाइन काउंट। ठीक है, और वॉइड, वॉइड मतलब ये फंक्शन कोई वैल्यू इसको देने की जरूरत नहीं है, ये हमने डिक्लेयर कर दिया। अब यहां से हमने शुरू किया मेन। ठीक है, अब मेन के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले एक इंटीजर डिक्लेयर किया, इंटीजर एन। ठीक, उसके बाद और जैसे जैसे हमको जरूरत पड़ेगी तो दूसरा हमने डिक्लेयर किया इंटीजर काउंट इज इक्वल टू 0, यानी इसको इनिशियलाइज भी कर दिया। तीसरा हमने डिक्लेयर किया इंटीजर सम, इसको भी हमने इनिशियलाइज कर दिया। और चौथा वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया फ्लोट एवरेज EVG, और एवरेज को डिक्लेयर कर दिया। अब देखिए इसमें क्या क्या हुआ, चाहे तो आपको समझाने के लिए हम कमेंट लाइन लिख देते हैं। ये पहले लाइन में क्या हुआ कि नंबर ऑफ कैरेक्टर इन गिवन लाइन, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन गिवन लाइन एन में आ जाएगा। ठीक, फिर ये जो हमने काउंट किया है इससे क्या पता चलेगा, काउंट से नंबर ऑफ लाइंस, कितनी लाइन है, नंबर ऑफ
लाइंस, ठीक। फिर सम में हम क्या करेंगे, सम में हम टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स ले आएंगे, टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स, ये आ जाएगा किसमें, सम में। और फ्लोट एवरेज में क्या आएगा, एवरेज नंबर ऑफ करेक्टर्स पर लाइन, एवरेज नंबर ऑफ करेक्टर्स पर लाइन, ये हमें एवरेज में पता चल जाएगा, ठीक है। ये हमने कमेंट लाइन लिख दी आप लोगों के समझने के लिए या बेटर डॉक्यूमेंटेशन के लिए। अब हमने क्या किया, सबसे पहला स्टेटमेंट हमने दिया एंटर द टेक्स्ट बिलो, मतलब कोई भी लाइन एंटर कीजिए। तो हमने लिखा यहाँ पे प्रिंट एफ, यहाँ पे हमने लिखा एंटर द टेक्स्ट लिख लीजिए, या एंटर द लाइन, एंटर द टेक्स्ट बिलो, स्लैश एन कर दिया, मतलब कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। और यहां पे हम क्या करेंगे, लाइन एंटर करेंगे। तो लाइन एंटर करने के लिए देखिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे हमने ये लिख दे रहा है आपको समझने के लिए, रीड ए लाइन ऑफ टेक्स्ट, रीड ए लाइन ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, एंड अपडेट द क्यूमुलेटिव काउंटर्स, एंड अपडेट द क्यूमुलेटिव काउंटर्स, ठीक है, ये कर दिया हमने। अब कब तक हम इसको रीड करेंगे, वाइल, हमने यहां पे दिया जब तक कि, हमने यहां लिखा एन इज इक्वल टू लाइन काउंट, एन इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने एक फंक्शन यूज किया लाइन काउंट, जो हम नीचे अभी डिक्लेयर करेंगे क्या है। तो हमने लिखा एन इक्वल टू लाइन काउंट, इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, जब तक कि लाइन काउंट मतलब एन में कोई वैल्यू आ रही है, जीरो से बड़ा है। हमें करना क्या है, हमें ये करना है सम में हम सम प्लस इक्वल टू एन, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि सम में सम प्लस एन कर देंगे ये, ठीक है। और फिर हम अपना काउंटर वेरिएबल बढ़ा देंगे, प्लस प्लस काउंट मतलब एक बढ़ा देंगे इस तरह से, ठीक है। अब क्या होगा कि ये टेक्स्ट जैसे हम एंटर करेंगे, वो जितने भी हम कैरेक्टर एंटर करेंगे, पहला कैरेक्टर फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसे वो सम में जुड़ता हुआ आ जाएगा कि कितने कैरेक्टर हुए। अब क्या होगा कि जब हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे, एवरेज, तो एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, एवरेज है आपका फ्लोट टाइप हमने डिक्लेयर किया फ्लोट, और सम डिवाइडेड बाई काउंट, सम मतलब जो टोटल आया और जितने कैरेक्टर हैं ये डिवाइड हो गया। और यहां हमने डिक्लेयर कर दिया प्रिंट एफ, एवरेज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पर लाइन, स्लैश एन दिया हमने, एवरेज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पर लाइन, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने दिया 5.2f, ठीक है, यहाँ पे हमने दिया परसेंटेज एफ कोट्स क्लोज्ड कॉमा एवरेज। तो यहां से हमें एवरेज नंबर ऑफ करेक्टर्स पर लाइन जो है, और यहाँ पे हम मेन की जो बॉडी चल रही थी वो हमने मेन यहाँ बंद कर दिया, ठीक। अब रह गई बात ये लाइन काउंट, ये जो हमने फंक्शन यूज किया है, ये लाइन काउंट फंक्शन क्या करेगा और इसकी क्या बॉडी है या इसके स्टेटमेंट्स क्या है। तो यहाँ पे हम डिक्लेयर कर, यहाँ पे हम फंक्शन को लिखते हैं इंटीजर लाइन काउंट,
कुछ इसको पास नहीं करना, तो सीधे हमने यहाँ लिखा, इसके आर्गुमेंट्स में वर्ड लिख दिया। ये क्या करेगा, ये देखिए कमेंट लाइन में लिख दे रहे हैं, रीड ए लाइन ऑफ टेक्स्ट, ये टेक्स्ट जो हम इनपुट करेंगे उसको रीड करेगा एंड काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, काउंट द नंबर ऑफ करेक्टर्स, नंबर ऑफ करेक्टर्स को ये काउंट करेगा। पहले रीड करेगा लाइन को, फिर करेक्टर्स को काउंट करेगा। ये कैसे करेगा, लाइन काउंट का हमने यहां से बॉडी शुरू की, यहां हमने डिक्लेयर किया करेक्टर, यहां लिखा हमने लाइन, लाइन को एक एरे बना दिया कितने 80 एलिमेंट्स का इस तरह। और 80 ही क्यों लिया है, क्योंकि जनरली जितने भी आपके कॉलम होते हैं एक पेज पे, वो 80 कॉलम स्क्रीन होती है, ठीक। दूसरा हमने कहा इंटीजर, यहाँ वेरिएबल लिया काउंट, इसको इनिशियलाइज कर दिया 0, ठीक। अब यहाँ पे हमने स्टेटमेंट दिया कि व्हाइल, जब तक कि व्हाइल, यहाँ पे हमने लिखा लाइन काउंट, लाइन काउंट यानी हर एक एलिमेंट को देख रहा है, ये इक्वल टू गेट करेक्टर, गेट करेक्टर पुट करेक्टर जो है ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है सी में, ये आप देखिएगा, नहीं अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में बता देंगे आपको। गेट करेक्टर मतलब जो भी कीबोर्ड से हम करेक्टर इनपुट करते हैं वो गेट करेक्टर फंक्शन से एक्सेप्ट होता है। तो ये हमने कहा और ये हमने बंद किया, हमने कहा कि व्हाइल लाइन काउंट, जब तक कि जो लाइन काउंट जो हम गेट करेक्टर से हमें मिल रहा है, मतलब जो कीबोर्ड से हम करेक्टर इनपुट कर रहे हैं, वो जब तक कि न किसके ना बराबर हो स्लैश एन के, मतलब एम्प्टी लाइन ना आ जाए, तब तक हमको क्या करना है, हमको काउंट बढ़ाते जाना है, तो प्लस प्लस काउंट ये, ठीक। तो और जैसे ही हम स्लैश एन देंगे एम्प्टी लाइन आ जाएगी, काउंट को ये रिटर्न कर देगा। तो हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, हालांकि जगह कम रह गई, रिटर्न काउंट, और यहां ये बंद हो जाएगा, ठीक। अब इससे क्या होगा कि ये रिटर्न काउंट, मतलब ये काउंट की वैल्यू रिटर्न होगी कहाँ पे, जहां पे इसको कॉल किया गया था, यहाँ कॉल किया गया था, तो काउंट की वैल्यू एन में आ जाएगी, सम इज इक्वल टू सम प्लस एन, यहाँ ऐड हो जाएगा, ठीक। फिर काउंट को ये बढ़ा देगा और फिर इसके बाद जब ये पूरा हो जाएगा तो सम को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ काउंट से, तो हमें एवरेज करेक्टर्स पर लाइन निकल आएगा, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं आपको कि देखिए इसमें क्या है, मेन फंक्शन में चार ऑटोमेटिक वेरिएबल हैं, एन है, काउंट है, सम है और एवरेज है। अब देखिए इसको हम आपको एक्सप्लेन भी कर दे रहे हैं, मान लीजिए मेन फंक्शन में आइए पहले, यानी कि यहाँ पे इसमें क्या है कि देखिए मेन फंक्शन में हमने ये चार ऑटोमेटिक, यहाँ पे हमने क्लास नहीं डिफाइन की है ना, तो अभी कल आपको बताया था कि क्लास नहीं डिफाइन किया हमने, तो बाय डिफॉल्ट ये ऑटो क्लास हो गई। तो यहाँ पे एन है, काउंट है, सम है और एवरेज है, ये फोर ऑटोमेटिक वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए। और उसके बाद लाइन काउंट कंटेन्स टू, और लाइन काउंट जो फंक्शन हमने बनाया है यहाँ पे, इसमें दो वेरिएबल हैं, ये लाइन काउंट है, इसमें दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। लाइन काउंट कंटेन्स लाइन एंड काउंट, ठीक है। अब इसमें क्या है, इनिशियल वैल्यू हमने यहाँ पे जीरो इसको असाइन किया है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए इसमें एक चीज और नोट करने वाली है कि दैट द काउंट हैज डिफरेंट मीनिंग विद इन ईच फंक्शन, विद इन ईच फंक्शन मतलब यहाँ पे काउंट की मीनिंग अलग है और जो मेन फंक्शन में हमने काउंट डिक्लेयर किया है यहाँ पे, ये इसकी मीनिंग अलग है। मतलब विद इन लाइन काउंट, काउंट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ करेक्टर्स इन ए सिंगल लाइन, वेयर एज इन मेन फंक्शन काउंट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स दैट हैव बीन रेड। तो ये ध्यान रखिएगा, कल हमने बताया था कि किसी फंक्शन का अगर सॉरी लोकल वेरिएबल है तो उसका स्कोप केवल उसी फंक्शन में होगा, तो यानी डिफरेंट फंक्शन भी अगर हम सेम वेरिएबल नेम यूज करते हैं
तो वो आपस में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो मेन फंक्शन में काउंट रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ लाइंस को, और वहां पे लाइन काउंट में रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ करेक्टर्स को इन ए सिंगल लाइन, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद क्या है कि काउंट इज रीसेट टू जीरो विद इन लाइन काउंट वेन एवर द फंक्शन इज एक्सेस। जब भी लाइन काउंट फंक्शन को हम एक्सेस कर रहे हैं तो लाइन काउंट फिर से इनिशलाइज हो जा रहा है जीरो को। दिस डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ काउंट विद इन मेन सिंस द वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी लाइन को एंटर करके उसके एवरेज नंबर ऑफ करेक्टर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको ये चेक करना हो कि हाँ ये सही है या नहीं, तो सपोज कीजिए हम आपको टेस्ट इसको टेस्टिंग करने के लिए आपको हम इसका डेटा भी दे दे रहे हैं कि मान लीजिए इस प्रोग्राम में आपने जो लाइन एंटर किया, मान लीजिए हमने कहा कि ये आपको समझने के लिए अगर आप एंटर करेंगे एंटर्ड टेक्स्ट, या आप कुछ भी एंटर करके अपना रन करके प्रोग्राम चेक कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए हमने कहा कि ये अगर आप एंटर करते हैं, क्या हमने कहा कि नाउ इज द टाइम फॉर ऑल गुड मैन, हमने लिखा यहाँ पे नाउ इज द टाइम फॉर ऑल गुड मैन। ठीक है, सॉरी, गुड मैन टू कम टू द एड ऑफ दियर कंट्री। ये लाइन मान लीजिए हमने एंटर किया और ये फुल स्टॉप। ठीक, अब इनके बीच में जो स्पेस है ये आप ध्यान रखिएगा कि ये ब्लैंक स्पेसेस हैं, ये सब ब्लैंक स्पेसेस हैं। तो जब इसको एंटर करके आप अपना प्रोग्राम रन कराएंगे तो आपको रिजल्ट ये लिखा हुआ आएगा, रिजल्ट आएगा आपका एवरेज नंबर ऑफ करेक्टर्स पर लाइन इज आएगा 34.00। तो ये हमने एक एग्जांपल दे दी, आप इसको एंटर कराइए, देखिए आपको ये रिजल्ट मिलेगा। तो इससे आप चेक भी कर सकते हैं। तो इससे देखिए इस प्रोग्राम से ये भी क्लियर हो गया जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको ऑटोमेटिक वेरिएबल पढ़ाया था कि द स्कोप ऑफ एन ऑटोमेटिक वेरिएबल कैन बी स्मॉलर देन एन एंटायर फंक्शन इफ वी यूज इन दैट वे। In fact, automatic variables can be declared with a single compound statement. With small, simple programs, there is usually no advantage in doing this, but it may be desirable in larger program. यानी जो automatic variable है उन सबको हम एक single compound statement में भी declare कर सकते हैं। तो छोटे program में तो हालांकि ये इतना useful नहीं है, जैसे ये जो program बनाया छोटा program है हमने अलग अलग declare कर दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लार्जर प्रोग्राम जो होते हैं 10,000 लाइन के 12,000 लाइन के प्रोग्रामिंग मॉड्यूल्स जो डेवलप किए जाते हैं 8,000 लाइन का, तो उसमें फिर क्या होता है कि अगर आप कंपाउंड स्टेटमेंट यूज़ करते हैं ऑटोमेटिक वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए तो वो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कॉन्टेंट पसंद आया होगा। अगर वीडियो कॉन्टेंट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।